नमस्ते मॉम्स यमी रेसिपीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक फेस्टिवल स्पेशल रेसिपी, मूंग दाल चकली। ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी है और आप इसे हर ओकेजन में बना सकते हैं। आशा है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी मज़ेदार रेसिपी को मिस ना करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप मूंग दाल और 4 कप मैदा। आप चाहे तो थोड़ा सा आटा भी ले सकते हैं। अब मूंग दाल में डालिए 1 कप पानी। अब एक साफ कपड़े में मैदे को इस तरह से डालकर अच्छी तरह से बंद कर लीजिए ताकि हम मूंग दाल के साथ इसे पका लें। इस तरह से 10-15 मिनट के लिए आप प्रेशर कुकर में दाल और मैदे को पका सकते हैं। कुकर को 5 मिनट बड़ी आंच पर रखिए और फिर 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे। ये रही हमारी दाल, आप देख सकते हैं कि एकदम सॉफ्ट हो गई है। अब मैदे को भी बाहर निकाल लीजिए, ये भी अच्छी तरह से स्टीम हो गया है। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। पहले हम मैदे के पीसेस को ग्रेट करेंगे ताकि उसके छोटे टुकड़े हो जाएं। इसके बाद मैदे को छान लीजिए। अब मैदे में डालिए पकी हुई मूंग दाल। अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आधा चम्मच धनिया जीरा पाउडर। 1/2 चम्मच अजवाइन। 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार। अब 2-3 चम्मच तेल डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल इस तरह। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, थोड़ा गुनगुना पानी लेकर अच्छी तरह से इसका आटा गूंद लीजिए। आटा एकदम सॉफ्ट और स्टिकी होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह। अब हम लेंगे हमारा चकली का मोल्ड। मोल्ड के नीचे की तरफ एक स्टार होल वाली शेप की जो प्लेट है, आप वो यूज करिए। अब अपने हाथ थोड़े से गीले कर आटे के छोटे छोटे पीसेस करके मोल्ड में डाल लीजिए। अब धीरे धीरे गोल गोल करके चकली को बना लीजिए।
चकली को बनाने के टाइम पे आप एक नॉन स्टिक एरिया का इस्तेमाल करिए, जैसे कि कोई प्लास्टिक शीट। आप देख सकते हैं ये तैयार है। आप मुरुक्कू के टाइप के भी शेप्स कर सकते हैं। बस अब धीमी आंच पे इसे 5 मिनट के लिए फ्राई करिए, जब तक ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब सर्व करिए बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी रेसिपी, मूंग दाल चकली और मुरुक्कू।